चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नौ वर्ष विक्रमी संवत 2076 के आगमन पर संस्कार भारती द्वारा गुरुवार को गोलघर के इंदिरा गांधी तिराहे पर शंख नाद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हिंदू नववर्ष के आगमन का मुख्य अतिथियों संस्कार भारती पदाधिकारियों और बच्चों ने शंख नाद कर अभिवादन किया। इस अवसर पर रीता श्रीवास्तव, अमरनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर कुमुद सिंह, प्रतिमा श्रीवास्तव, रविंद्र रंगधर, जितेंद्र द्विवेदी, अजीत प्रताप सिंह सहित संस्कार भारती के अन्य सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह ने कहा, ठीक है, वहाँ का पता है, मोबाइल नंबर कहाँ पर क्या है सब जो है। आज संस्कार भारती की तरफ से नव वर्ष के स्वागत के लिए ये शंखनाद का कार्यक्रम हुआ। मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। मैं संस्कार भारती के अध्यक्ष और जितने भी उसके कर्मी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बच्चों ने बहुत ही एक स्वर में जो शंखनाद किया और नव वर्ष का जो उन्होंने सुंदर स्वागत किया, उसके लिए मैं संस्कार भारती को साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद।